मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आइए, आज हम आप सभी से मुखातिब हैं अनुच्छेद के साथ। बिहार मैट्रिक परीक्षा में अनुच्छेद अत्यंत ही जरूरी है। संस्कृत के प्रश्न पत्र में, जो मैट्रिक का संस्कृत का प्रश्न पत्र है, उसमें अनुच्छेद 7 अंक का आता है। और मैं 2011 से लेकर के 2020 तक के मैट्रिक एग्जामिनेशन के पेपर को देखा कि कौन कौन सा अनुच्छेद आया हुआ है। उसमें से 8 मैंने अनुच्छेद को सेलेक्ट किया है 2021 एग्जामिनेशन के लिए। और अभी हमारे सामने जो है 2021 का मैट्रिक एग्जामिनेशन है, उसके लिए 8 अनुच्छेद हम आप लोगों को देंगे। और विथ गारंटी, इसमें से 2 या 3 अनुच्छेद आएगा ही आएगा। इसलिए इस अनुच्छेद को देखना है, समझ लेना है और रट जाना है, ताकि मैट्रिक परीक्षा का जो 7 अंक है संस्कृत के प्रश्न पत्र का, वह हमें 100% मिल जाए। तो संस्कृत अनुच्छेद 2021 गेस है हमारा, अनुमान है, और निःसंदेह यह अनुमान सत्य होगा। तो पहला अनुच्छेद हमारा है अस्माकम विद्यालय। अस्माकम शब्द का अर्थ होता है हमारा, और विद्यालय का अर्थ होता है विद्यालय, अर्थात हमारा विद्यालय। इस पर हम लोग अनुच्छेद लिखेंगे। अनुच्छेद में लिखा होता है, 7 वाक्यों में लिखें, वह 7 नंबर है, और उसके लिए हमें किसी भी विषय पर 7 वाक्य लिखना होता है। एक बात और ध्यान दे लेंगे, यदि 7 वाक्य आपको याद नहीं है, 5 ही वाक्य याद है, तो 5 वाक्य जरूर लिखें, आपको 5 नंबर मिलेंगे। ऐसा बिहार बोर्ड द्वारा निर्देश भी है कि बच्चा जितना लिखता है उसके अनुरूप उसको अंक मिलना चाहिए। यदि वो 4 लाइन लिखता है तो 4 अंक मिलना चाहिए। छोड़ना नहीं है, लिखना जरूर है, और लिखने में ये ध्यान रखता है आदमी कि हम अपनी भाषा में लिखें, जिससे हमें पूर्ण अंक प्राप्त हो जाए। किताब की भाषा में लिखते हैं तो वह चीट की तरह लगता है। तो मैंने प्रयास किया है कि मैट्रिक एग्जामिनेशन में सम्मिलित होने वाले बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं, वो बच्चे 100% अनुच्छेद को लिख लें। एकदम सरल और सुगम भाषा में मैंने 8 अनुच्छेदों को बनाया है। इसके लिए मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो में चार अनुच्छेद होगा। पहला देखते हैं हम लोग, अस्माकम विद्यालय। सर्वप्रथम लिख देंगे कि अयम अस्माकम विद्यालय अस्ति, अयम यह हमारा विद्यालय है। एकदम आसान वाक्य है, अयम अस्माकम विद्यालय अस्ति, यह हमारा विद्यालय है। इसके बाद लिखेंगे अपने विद्यालय के बारे में कि अस्माकम विद्यालय से नाम, हमारे विद्यालय का नाम। अस्माकम विद्यालय से नाम, हमारे विद्यालय का नाम। उच्च विद्यालय पटना अस्ति, उच्च विद्यालय पटना है, या अस्माकम विद्यालय से नाम, जो भी आपके विद्यालय का नाम है, अपने विद्यालय का नाम लिख दीजिए और अंत में अस्ति लिख दीजिए। एक वाक्य ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। मम विद्यालय एक आदर्श विद्यालय अस्ति, मम विद्यालय मेरा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय है, मेरा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय है। अस्य विद्यालयस्य भवनम मनोहरम अस्ति, अस्य इस विद्यालय का भवन मनोहर अर्थात सुंदर है। मम विद्यालये 20 अध्यापकाः सन्ति, मम मेरे विद्यालय में 20 अध्यापक अर्थात शिक्षक हैं। आप संख्या इधर उधर भी कर सकते हैं। इसके बाद आ गए हम लोग सर्वे शिक्षकाः, सर्वे मीन्स सभी, शिक्षकाः मीन्स शिक्षक, सभी शिक्षक कर्तव्य निष्ठाः समय पालकाः च सन्ति, सभी शिक्षक कर्तव्यनिष्ठ और समय का पालन करने वाले हैं। सभी शिक्षक कर्तव्यनिष्ठ एवं समय का पालन करने वाले हैं। अस्माकं विद्यालये 12% छात्राः सन्ति, कह रहा है कि अस्माकं हमारे विद्यालय मीन्स विद्यालय में 12% यानी 1200 छात्राः सन्ति,
छात्र हैं। हमारे विद्यालय में 1200 छात्र हैं। सर्वे छात्राः अनुशासन प्रियाः सन्ते, सभी छात्र जो है अनुशासन प्रिय हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, इसमें हम पद्य लिख दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 वाक्य मैंने लिख दिया, लेकिन हमको कितना लिखना है, 7 वाक्य ही लिखना है। हम प्रत्येक अनुच्छेद में 8-8 वाक्य लिख दिए हैं, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, 7 वाक्य ही लिखना है। लिखा भी रहता है, एकदम स्पष्ट लिखा रहता है कि 7 वाक्यों में लिखें, और बगल में दाहिने तरफ 7 अंक भी लिखा रहता है। तो एक एक वाक्य आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या एक एक वाक्य ऊपर नीचे करके भी 7 वाक्य एकदम कंप्लीट लिख सकते हैं। लिखेंगे भी तभी हमें जो है 7 नंबर मिलेगा, अत्यंत मूल्यवान है, 500 का पूर्णांक ही हमारा, और सोचिए 7 अंक है तो 1% है हमारे परीक्षा का, मात्र एक अनुच्छेद। और मैं वादा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं कि इसमें से आपको अनुच्छेद आएगा ही आएगा। अभी तक आपने नहीं जुड़ा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मैं मैट्रिक परीक्षा तक आप लोगों को अत्यंत अच्छा अच्छा मैटर जो भी मेरे पास होगा परीक्षा में सहायता प्रदान करने योग्य, मैं अवश्य सहायता प्रदान करूंगा। आप इसे पढ़ें, समझें, लिख लें, याद कर लें और परीक्षा में लिखें। फिर अब हम चलते हैं दूसरे अनुच्छेद की तरफ, दूसरे अनुच्छेद की तरफ। पहला हम लोगों ने देखा अस्माकम विद्यालयः, अब हमारे सामने जो दूसरा 2021 परीक्षा के लिए 20 अनुच्छेद है वह है आदर्श छात्र, आदर्श छात्र। अब आदर्श छात्र को हम देखेंगे तो लिखेंगे आदर्श छात्र छात्राणाम अनुकरणीय भवति, आदर्श छात्र, आदर्श छात्र छात्राणाम छात्रों के लिए अनुकरणीय, अनुकरणीय भवति होता है, आदर्श छात्र छात्रों के लिए अनुकरणीय होता है। सामान्य अनुवाद है, एकदम याद कर लेंगे, आदर्श छात्र छात्राणाम अनुकरणीय भवति, या समझ लेंगे दिमाग में, जब बात बैठ जाएगी, वाक्य बैठ जाएगा तो फिर हमें रटना भी नहीं पड़ेगा। सह गुरु भक्त भवति, वह गुरु भक्त होता है। यह भी ध्यान रखें परीक्षा में, छोटा वाक्य लिखें लेकिन सही लिखें, क्योंकि आप जब सही लिखते हैं तभी आपको एक वाक्य का एक अंक प्राप्त होता है। तो बहुत लंबा वाक्य लिखने का प्रयास नहीं करना, प्रयास यह करना है कि छोटा वाक्य ही लिखे लेकिन वह मेरा वाक्य शुद्ध हो अशुद्ध न हो। सह गुरु भक्त भवति, वह गुरु का भक्त होता है या गुरु भक्त होता है। आदर्श छात्र सदाचारी भवति, आदर्श छात्र सदाचारी होता है, एकदम आसान। फिर आ गया हम, सह मधुरभाषी भवति, वह मधुरभाषी होता है, यानी मधुरभाषी मीठा बोलने वाला, वह मीठा बोलने वाला होता है, वह मधुरभाषी होता है। आदर्श छात्र कदापि असत्यम न वदति, छात्र हो गया यहाँ, आदर्श छात्र कदापि असत्यम न वदति, यानी आदर्श छात्र कदापि कभी भी असत्य नहीं बोलता है, आदर्श छात्र कभी भी झूठ नहीं बोलता, असत्य मीन्स झूठ, झूठ नहीं बोलता, एकदम आसान वाक्य हो गया अभी। फिर हो गया सह पापात विभेति, वह पाप से डरता है, और पाप से तो सभी आदमी डरता है, सब आदमी पाप से डरता है कि हमें पाप नहीं करना चाहिए। सह पापात विभेति, वह पाप से डरता है। समाज सेवा तस्य व्रतम भवति, समाज सेवा उसका व्रत होता है, समाज सेवा तस्य व्रतम भवति, समाज सेवा उसका व्रत होता है। आदर्श छात्र आलस्यम शत्रु इव पश्यति, आदर्श छात्र
आलस्य को शत्रु के समान देखता है, पश्यति मीन्स देखता है। तो ये हो गया आदर्श छात्र। हम लोगों ने दो अनुच्छेद का अध्ययन कर लिया, एक अस्माकं विद्यालय अत्यंत इम्पोर्टेंट आदर्श छात्र भी। मैं आप लोगों को बताया ही कि इस वीडियो में चार अनुच्छेद बताऊंगा और एक दूसरा वीडियो भी अनुच्छेद के लिए बनाऊंगा जिसमें भी चार अनुच्छेद होंगे। इन आठों में से दो अनुच्छेद निसंदेह आएगा जिसमें लिखना मात्र आपको एक ही है। इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया है, निचोड़ करके मक्खन निकालने का प्रयास किया है कि मेरे बच्चों को सही सही प्राप्त हो जाए और वे परीक्षा में बढ़िया अंक अर्जित कर सके। तो अभी हम लोगों ने देखा आदर्श छात्र और अब हम लोग देखेंगे तीसरा अनुच्छेद। अब हम आ गए तीसरे अनुच्छेद में। अब तीसरे अनुच्छेद को देखते हैं और तीसरा अनुच्छेद क्या है हमारा, अस्माकं देशः या भारत वर्षम। अस्माकं देशः पर भी आ जाता है तब भी यही लिखेंगे, यदि भारत वर्षम आ जाता है तब भी यही लिखेंगे। अस्माकं देशः मीन्स हमारा देश और भारत वर्षम मीन्स भारत वर्ष या भारत। इसको देखते हैं अब हम, यह भी एकदम आसान आसान भाषा अनुवाद किया गया है अभी। अस्माकं देशः भारत वर्षम अस्ति। अस्माकं मीन्स हमारा, देशः मीन्स देश, भारत वर्षम अस्ति भारत वर्ष है, हमारा देश भारत वर्ष है। ऐसे भी हम लोग संस्कृत अनुवाद जब बनाते हैं हमारा देश भारत है तो क्या लिखते हैं, अस्माकं देशः भारत वर्षम अस्ति। एकदम एक वाक्य हो गया हमारा। दूसरा वाक्य है अस्माकं देशस्य राजधानी नव दिल्ली अस्ति। हमारे देशस्य माने देश की, सस्ती लगा, देश की राजधानी नई दिल्ली है, हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली है। इस प्रकार लिखते हैं। आप कहीं भी व्याकरण की पुस्तक में या जितने लोगों ने अब तक अनुच्छेद पर वीडियो बनाया है, दो तीन लोगों ने बिहार बोर्ड का बनाया है, मैं देखा भी हूं, लेकिन बहुत सारा अशुद्धि है और एकदम किताबी लैंग्वेज है। थोड़ा सा सबसे हट के रहना है हमें, जब हट के रहेंगे तो हमें हट के मार्क्स भी मिलेगा, पूरा मार्क्स मिलेगा। और उसके लिए हमको अपनी भाषा अनुवाद में ही प्रश्न पत्र के ऊपर ही लिखा होता है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। तो आपके लिखावट से लग जाना चाहिए, लेखन कला से, कि बच्चा या छात्र जो है अपने से लिखा है। आगे हम दूसरा वाक्य हो गया हमारा, अस्माकं देशस्य राजधानी नव दिल्ली अस्ति, हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली है, हो गया। अयम देशः कृषि प्रधान देश अस्ति। अयम देशः, यह देश कृषि प्रधान देश है, यह देश कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ की जो आबादी है वह ज्यादातर किस पर निर्भर है, कृषि पर ही। इसलिए यह वाक्य भी सही है, सटीक है कि यह देश कृषि प्रधान देश है। आगे आगे हम, अस्य उत्तरस्याम दिशि पर्वतराज हिमालयः प्रहरी इव विराजते। अस्य उत्तरस्याम दिशि, इसके उत्तर दिशा में, किसके उत्तर दिशा में, अपने देश के उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय, पर्वतों का राजा हिमालय, प्रहरी इव विराजते, पहरेदार की तरह खड़ा है, स्थापित है, स्थित है, विराजमान है। तो इसके उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय पहरेदार की तरह विराजमान है। यह बड़ी गौरव की बात है कि हमारे देश के एक भाग की, एक दिशा की रक्षा जो है हिमालय पर्वत करता है। यह हमारे देश के लिए गौरव की बात है, जो हमारा रक्षक है, हमारा प्रहरी है। तो इस वाक्य का अर्थ हो गया कि इसके उत्तर दिशा में पर्वत राज हिमालय पहरेदार की तरह विराजमान है। अब उसके आगे देखते हैं,
अस्माकं देशः लोकतंत्रात्मक देशः अस्ति। हमारा देश जो है लोकतंत्रात्मक देश है। हमारा देश लोकतंत्रात्मक देश है। एकदम स्पष्ट है? नहीं समझ में आ रहा होगा एकदम, मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताइए। और समझ में यदि आ रहा हो तो वह भी कमेंट करके अपने संदेह मुझे बताएंगे कि मेरा प्रयास आप लोगों के लिए कैसा है। हमारा देश लोकतंत्रात्मक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा देश। और सबसे पहले जो है डेमोक्रेसी कहाँ लागू हुई? वैशाली में। वह कहाँ है? वह भी हमारे यहाँ ही है। अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा हिंदी अस्ति। इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? यह भी लिख सकते हैं अस्माकं देशस्य राष्ट्रभाषा हिंदी अस्ति। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अस्माकं देशे अनेकानि नगराणि सन्ति। हमारे देश में अनेक नगर हैं। अनेक नगर हैं यानी बहुत सारे नगर हैं। हमारे देश में अनेक नगर हैं। यह भी क्लियर हो गया? अब हम जो है अंतिम वाक्य पर आ जाते हैं। अंतिम वाक्य क्या कहता है? अस्माकं देशः ऋषि महर्षिणाम महापुरुषाणाम च भूमि अस्ति। अस्माकं देशः, हमारा देश ऋषि महर्षिणाम, ऋषि महर्षियों महापुरुषाणाम च और महापुरुषों की भूमि है, माने धरती अस्ति माने है। हमारा देश ऋषि महर्षि और महापुरुषों की धरती है। यह भारत की धरती है और इस भारत की धरती पर बहुत सारे ऋषि महर्षि और महापुरुषों ने जन्म लिया, जिन्हें हम सभी सत सत नमन करते हैं। तो हम लोग तीन अनुच्छेद को देखे अभी। पहला हम लोगों ने क्या देखा? अस्माकं विद्यालयः। इसके बाद आदर्श छात्रः, दो हो गया। और तीसरा हम लोगों ने देखा अस्माकं देशः आ जाए परीक्षा में या भारतवर्षम, हम लोग स्पष्ट ऐसे ही लिख देंगे एकदम। इसके संस्कृत को याद कर लीजिए, लिख लीजिए। नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार के जगह दो बार मेरी कही हुई बात को सुने, आपके दिमाग में निःसंदेह जो है प्रवेश कर जाएगा। और प्रवेश कर जाएगा तो हमेशा के लिए आप जो है अनुच्छेद में पारंगत रहेंगे। तो हम लोगों ने देख लिया अस्माकं देशः भारतवर्षम अस्ति, हमारा देश भारतवर्ष है। अस्माकं देशस्य राजधानी नव दिल्ली अस्ति, हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली है। अयम देशः कृषि प्रधान देश अस्ति, यह देश कृषि प्रधान देश है। अस्य उत्तरस्याम दिशे पर्वतराज हिमालयः प्रहरी व विराजते। इसके उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय पहरेदार के तरह विराजमान है। अस्माकं देशः लोकतंत्रात्मक देश अस्ति, हमारा देश लोकतंत्रात्मक देश है। अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा हिंदी अस्ति, इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। और अस्माकं देशे अनेकानि नगराणि सन्ति, इस देश में अनेक नगर हैं। अस्माकं देशः ऋषि महर्षिणाम महापुरुषाणाम च भूमि अस्ति, हमारा देश ऋषि महर्षियों और महापुरुषों की धरती है। तो आइए अब हम जो है चौथे अनुच्छेद को देखते हैं। मैं आरंभ में ही आप लोगों को बताया कि एक वीडियो में जो है चार अनुच्छेद होगा, एक दूसरा वीडियो भी मैं बनाऊंगा जिसमें चार अनुच्छेद होगा। और इस आठों में से निःसंदेह 2021 मैट्रिक परीक्षा में आएगा ही, जो आपको 7 नंबर प्रदान करेगा। तो आइए अब हम लोग जो है चौथे अनुच्छेद को देखते हैं। अब हम लोग चौथे अनुच्छेद में आ गए। तीन अनुच्छेद का अध्ययन कर लिया हम लोगों ने, अस्माकं विद्यालय, आदर्श छात्र, अस्माकं देश या भारत वर्षम। और ये चौथा भी गेस अनुवाद है, शरद ऋतु। यदि ऋतुओं में आ जाएगा तो शरद ऋतु पर ही अनुच्छेद इस वर्ष 2021 में आएगा। मैंने आरंभ में ही आप लोगों को बताया
कि मैं प्रश्न पत्रों का अध्ययन किया 2011 से आरंभ करके 2020 तक सभी अनुच्छेदों को मैंने देखा। देखने के बाद मैंने निचोड़ निकाला कि कौन कौन सा अनुच्छेद 2021 के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, परीक्षा में पूछ सकता है, और उन्हीं 8 अनुच्छेदों को मैंने लिया है, जिसके लिए मेरा 2 वीडियो होगा। ये पहला वीडियो है और पहले वीडियो के 4th अनुच्छेद को हम लोग देखते हैं, और ये है शरद ऋतु, यानी शरद ऋतु। ऋतुएं कितनी होती हैं? कितनी? 6। 3 तो एकदम आसान है, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, और 3 हो जाता है हेमंत, शिशिर, वसंत। वसंत तो ऋतुराज है। तो ये 6 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत। तो हम लोग शरद ऋतु पर अनुच्छेद लिख रहे हैं, संस्कृत भाषा में निबंध लिख रहे हैं। लिखना है 7 वाक्य में ही, मैं ये 4th अनुच्छेद भी 8 वाक्य लिखा हूँ। आरंभ से ही आप देखेंगे तो प्रत्येक अनुच्छेद में 8 वाक्य है, आपको परीक्षा में मात्र 7 वाक्य ही लिखना है। बॉन्डेड होता है परीक्षा में, इस बात का मेरे बच्चे सदैव ध्यान रखेंगे, बॉन्डेड है कि आपको 7 वाक्य ही लिखना है। 14 वाक्य लिखिएगा उसका कोई प्रयोजन नहीं है, वह 7 जो है क्रॉस कर दिया जाएगा। 7 वाक्य ही लिखें और सही सही लिखें। तो आ जाते हैं हम लोग मुख्य विषय पर। अब शरद ऋतु, वर्षा ऋतु अनंतरम शरद ऋतु समायाति, यानी वर्षा ऋतु के अनंतरम माने बाद, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आता है। शरद ऋतु वर्षा ऋतु के बाद आता है, वर्षा ऋतु अनंतरम शरद ऋतु समायाति। आसान है, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आता है। अश्विन कार्तिक मासो शरद ऋतु भवतः, द्विवचन है ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहां अश्विन और कार्तिक है। तो अश्विन कार्तिक महीने में शरद ऋतु होता है, महीने में मासो सप्तमी, अश्विन कार्तिक मास में शरद ऋतु होता है। कुछ तो हमारे बच्चे हिंदी महीनों का नाम ही नहीं जानते, हिंदी में भी जैसे अंग्रेजी में आप जनवरी से दिसंबर तक 12 महीने हैं, हिंदी में भी 12 महीने होते हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ और फाल्गुन, ये जो है 12 महीने हैं हिंदी के ही भी। तो उसमें अश्विन और कार्तिक, जिसे हम लोग कुवार कार्तिक भी कहते हैं, तो जो कुवार और कार्तिक का महीना है वह महीना शरद ऋतु होता है, उसी महीने में शरद ऋतु होता है। अश्विन कार्तिक महीने में शरद ऋतु होता है। फिर आ गए अस्मिन काले शीत वर्धते, अस्मिन काले इस समय में, सीता मीन्स ठंडा, वर्धते मीन्स बढ़ता है, अस्मिन काले सीता वर्धते, इस समय में ठंडा बढ़ता है, अस्मिन काले सीता वर्धते, इस समय में ठंडा बढ़ता है। जनाः, अब नेक्स्ट वाक्य को देख लेते हैं, जनाः रात्रौ सीतात रक्षारथम अग्निम सेवन्ते, जनाः लोग रात्रि में ठंडी से रक्षा के लिए, सीतात रक्षार्थम ठंडा से रक्षा के लिए अग्निम सेवन्ते, अग्नि का सेवन करते हैं, अलाव जला करके और उस अग्नि का क्या करते हैं, सेवन करते हैं, जिससे शरीर जो है हमारा शीत से बचे। तो अभी वाक्य स्पष्ट हो गया, जनाः रात्रौ सीतात रक्षार्थम अग्निम सेवन्ते, लोग रात में ठंडी से रक्षा के लिए आग का सेवन करते हैं। आगे भी छोटा छोटा अनुवाद है, आकाश निर्मल भवति, आकाश निर्मल होता है, आकाश साफ होता है, इस मौसम में इस ऋतु में आकाश क्या होता है, साफ होता है।
चंद्रः प्रकाशते कमलानि पुष्पाणि च विकसन्ति। कह रहा है कि चंद्रः प्रकाशते, चंद्रमा प्रकाशित तो होते हैं और कमलानि पुष्पाणि विकसन्ति, और कमल के जो पुष्प हैं वह विकसित तो होते हैं, खिल जाते हैं। चंद्रः प्रकाशते, चंद्रमा जो है प्रकाशित तो होता है, च और कमलानि पुष्पाणि विकसन्ति, जो कमल के पुष्प हैं, कमल के फूल हैं, वह विकसित तो होते हैं, खिल जाते हैं। आगे नेक्स्ट वाक्य पर आ गए, अस्मिन् काले दिवसाः संकुचिताः भवन्ति। अस्मिन् काले, इस समय में, दिवसाः माने दिन, संकुचिताः माने छोटे, भवन्ति माने होते हैं। इस काल में, इस ऋतु में दिन जो है संकुचित होते हैं, छोटे होते हैं। अब जब अश्विन और कार्तिक का महीना होता है, इस महीने में दिन क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो अस्मिन् काले दिवसाः संकुचिताः भवन्ति, इस समय में दिन छोटे होते हैं। और अंतिम वाक्य हम लोगों का, वसंतम विहाय अयम एव ऋतुः सर्वेषां प्रियतमः। कह रहा है कि वसंतम विहाय, वसंत को विहाय माने छोड़ करके, वसंत को छोड़ करके यह ही ऋतु सबके लिए क्या है, प्रिय है। वसंतम विहाय, वसंत को छोड़कर, अयम माने यह, एव माने ही, यह ही ऋतु, यह ऋतु ही सर्वेषां सबके के लिए प्रियतमः प्रियतम है। तो वसंत को छोड़ करके, वसंत को मैंने आरंभ में ही बताया कि वसंत क्या है, ऋतुराज हैं, ऋतुओं के राजा हैं। और ऋतुएं कितनी हैं, छह हैं। ऑब्जेक्टिव परीक्षा में पूछ भी सकता है, परीक्षा में, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अब की बार 100 क्वेश्चन आ रहा है, और 100 में हमको कितना बनाना है, 50 बनाना है, 50 ही बनाना है। कॉपी में भी हमारा जो उत्तर पुस्तिका होगा उसमें भी 100 होगा, लेकिन जो जो हम उसमें से सही करना होगा इसमें कर देंगे, 50 ही बनाएंगे काउंट करके। तो हम लोगों ने शरद ऋतु का भी अध्ययन कर लिया। एक बार पुनः बता देते हैं कि वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आता है, वर्षा ऋतु अनंतरम शरद ऋतु समायाते, अश्विन कार्तिक मासो शरद ऋतु भवता। अश्विन और कार्तिक के महीने में शरद ऋतु होता है। अश्विन काले सीता वर्धते, इस काल में, इस समय में ठंडा बढ़ता है। जनाः रात्रौ शीतात् रक्षार्थम् अग्निम् सेवन्ते, लोग रात में ठंडी से रक्षा के लिए आग का सेवन करते हैं। आकाशः निर्मला भवति, आकाश निर्मल होता है। चंद्रः प्रकाशते कमलानि पुष्पाणि च विकसन्ति, चंद्रमा प्रकाशित होता है और कमल के फूल खिलते हैं। अस्मिन् काले दिवसाः संकुचिताः भवन्ति, इस समय में दिन जो है छोटा होता है, दिन छोटे होते हैं। दिवसाः संकुचिताः भवन्ति, दिन छोटे होते हैं। वसंतम विहाय अयम एव ऋतु सर्वेषां प्रियतमः, वसंत को छोड़ करके यह ही ऋतु सबके लिए क्या है, प्रिय है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को 4 अनुच्छेद का अध्ययन कराया, जो मेरा गेस अनुच्छेद है 2021 मैट्रिक एग्जामिनेशन के लिए। तो ये मेरा अध्यापन आपको अच्छा लगा हो आप अवश्य लाइक करें, यदि अच्छा लगा हो तो, यदि समझ में नहीं आया हो, बेकार लग रहा हो तो डिसलाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। यदि अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, अन्य बच्चे भी जो है इसका लाभ उठाएं, मैट्रिक परीक्षा में अच्छा मार्क्स अर्जित करें। हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोग जो है अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वह भी अनुच्छेद का होगा, और उसमें भी 4 अनुच्छेद होंगे। और इसके बाद जो है हम पत्र लेखन की तरफ चलेंगे, पत्र लेखन का भी मैं वीडियो बनाऊंगा, वह भी हमारे परीक्षा का 8 मार्क्स है। मैट्रिक एग्जामिनेशन में 8 नंबर का 2 पत्र लेखन भी आता है, तो उसका भी मैं अध्ययन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ प्रश्न पत्र को। और फिर जो गेस पत्र लेखन होगा वह पत्र लेखन मैं आपको प्रदान करूंगा, जिससे पत्र लेखन का भी 8 अंक आपको मिल जाए। तो इस वीडियो में मात्र इतना ही, फिर मिलते हैं अगले अनुच्छेद वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।